शेर पुत्र उठ जाए, मस्जिद नहीं जाना आपने है? क्यों अब्दुल हादी मुझे उठाना पड़ेगा आपको। आज मेरे शहजादा उठ गया। स्कूल जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? ब्रेड लेके जाएंगे, ब्रेड और क्या लेके जाएंगे? जब मस्त जाते हैं ना तो वजू करके जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। जी बेटा, अभी पहले मस्जिद तो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब की तमाम परेशानियों को दूर करे। तो अभी जी मैं जा रही हूँ अब्दुल हादी को मस्जिद छोड़ने के लिए। जब तक मैं अब्दुल हादी को उठाती नहीं हूँ ना मस्जिद जाने के लिए, तब तक उठते नहीं हैं। और फिर मुझे ही
जो है ना वो छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। अगर मैं मस्जिद तक ना भी छोड़ के आऊँ तो मतलब जो है ना आधे रास्ते मैं इसको उठा के ले जाती हूँ ताकि अब्दुल हादी का मूड जो है ना वो ठीक हो जाए। ऐसे उठता नहीं है, पहले पहले बड़ा शौक होता था लेकिन अभी जो है ना इनको उठना मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे गर्मी आ रही है और बड़े बड़े होते जा रहे थे, मम्मा मैंने सोना है मैंने सोना है, फिर इसको उठा के वज़ू करवाना और उठा के इसको मस्जिद में कभी कभी खुद छोड़ के आती हूँ क्योंकि किसी के साथ भी नहीं जाते हैं। और फिर इन्हें इतनी सारी बातें करनी होती कि अब्दुल हादी आपको ये चीज़ लेके देंगे, फिर अब्दुल हादी की मम्मा इतने सारे अब्दुल हादी को लालच देती है, उसके बाद इनका मूड जाके ठीक होता है। अरे भाई क्या हो गया है, इतनी जल्दी पड़ी बाहर आने की, मुझे दरवाज़ा तो खोल लेने दो। चलेंगे दरवाज़ा नहीं खोलने, छोटे छोटे चिंगे चिंगे से चूजे हमारे और हैं अंदर, ऐसा ना हो के इसके नीचे आए पड़े। अब जो है ना मैं बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, इसकी रीज़न ये है कि झाड़ू जो है ना बहुत छोटा हो गया है और बैठ के लगे ना तो फिर ईजी लग जाता है छोटा झाड़ू हो तो। अभी जी मैं इस घर से लस्सी लेने के लिए आया हूँ क्योंकि आज हमारे घर लस्सी नहीं है और ये मेरे दोस्त का भी घर है और जानने वाला मतलब है, तो मैंने उसे कॉल की थी कि आ जाए लस्सी ले जाएँ। और इसके साथ ही वो मस्जिद है ये वाली, इसकी छत डालने वाली है और ये मोहल्ले वाले उन्होंने मुझे 3-4 दफ़ा कहा कि शहजाद भाई इसकी वीडियो बनाएं और इस मस्जिद की छत जो है ना वो डलवा दें, अगर किसी भी बहन भाई ने इस मस्जिद की छत डलवानी हो तो वो ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि इस मस्जिद में बच्चे पढ़ सकें और नमाजी आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह जी लस्सी जो है वो ले आए क्योंकि रात को दूध जो है ना वो हमने उस घर में भेज दिया था और आज थोड़ी सी परेशानी बन गई क्योंकि लस्सी के बगैर नाश्ता भी नहीं होता। ये हमारी जो लस्सी थी वो होती है जी गाय की भी है भैंस की है। हाँ जी
बोलना कुछ। पूरे घर की सफाई भी हो गई है, बर्तन भी साफ कर लिए हैं और साथ मैंने आग भी जला दी है। जल्दी से गूंद लेते हैं आटा। और गर्मियों का सूरज जो है ना वो चढ़ते ही तपता आता है, इतना गर्म होता है और ऐसे लगता है जैसे इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। तो फिर जल्दी जल्दी भाग दौड़ में अब्दुल हादी का नाश्ता तैयार करती हूँ। बिलाल और अब्दुल हादी अभी तक मस्जिद में ही हैं, तो जब वापस आएंगे तब तक नाश्ता तैयार होगा। तवे को मैंने पहले धो लिया था। यहाँ पे पड़ा है जी अंडा, प्याज, टमाटर और ये है जी बंद गोभी। और ये सब कुछ किस लिए है? ये है जी अब्दुल हादी की नाश्ते की तैयारी। आज हम बनाएंगे जी रोटी, अंडे वाली जो रोटी होती है ना वो वाली, अंडा और इसमें हम डालेंगे वो क्या कहते हैं आटा भी, मतलब आटे वाली रोटी भी बन जाएगी और अंडे वाली भी रोटी। मुझे नहीं पता इसको कहते क्या है, लेकिन जो है ना अब्दुल हादी को मैं अगर दूँ ना, मतलब रोटी दूँ साथ अंडा दे दूँ, तो वो सिर्फ अंडा अंडा खा जाता, रोटी बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अंडा रोटी मिक्स करके एक रोटी बना दिया करूँ। तो अभी सबसे पहले बिलाल की रोटी बनानी है, और बिलाल जो है ना वो सुबह सुबह तंदूर की रोटी नहीं खाते हैं, उन्होंने खानी होती है जी तवे वाली रोटी, इसलिए सबसे पहले बिलाल की रोटी बना लेते हैं और साथ फिर और साथ अब्दुल हादी की रोटी की भी तैयारी कर लेते हैं। और माशाल्लाह देखें जी, ये हमारे घर की सब्जी है। ये तोरियां आप लोगों ने देखी थी, तोरियां मांझ ने तोड़ ली, और ये बैंगन भी लगे हुए थे हमारे, वो भी मांझ ने तोड़ लिए, और आलू हमारे घर पड़े हुए थे पहले, और घर की ताज़ा सब्जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई जी। बिलाल और अब्दुल हादी जो ना वो सामने पैदल जो ना वो चल के आ रहे हैं। बिलाल की रोटी तैयार हो गई है और अभी अब्दुल हादी की रोटी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया जी, ये है आटा, और उसके बाद इसमें डालेंगे लाल टमाटर, प्याज और बंद गोभी। लाल मिर्च जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च के बाद हल्दी, और जी थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल सा टेस्ट रखेंगे इसका। हसबे ज़रूरत इसमें डालेंगे नमक, अंडा अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। जिनके बच्चे रोटी नहीं खाते ना मेरी तरह, वो इसी तरह बस जुगाड़ लगाती हैं कि बच्चे जो है ना किसी बहाने बस रोटी खा ले। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे शहजादा आ गई उम्मा की जान। पैदल चल के आए हो, भाग भाग के आए हो? अब्दुल हादी भाग भाग के आया कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। वैसे इतना अच्छा है तो नहीं कि स्कूल के लिए आए पहले मैंने तवा उतार दिया था क्योंकि तवा जो है ना वो ज़्यादा गर्म हो जा रहा था। और पेस्ट जो है ना कुछ इस तरह से तैयार हुआ है, लेकिन ये कितना ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह गोल मटोल तो नहीं बनेगी डिब्बे में मैंने दिया तो था कल आपको जब आप घर आए थे, तब आपने क्या खा था? भी आपने मुझे रोटी नहीं दी साथ? नहीं, ये रोटी तो आपको डेली देती हूँ दिलादी, आपको चेता भूल जाता है खा के आपको याद भूल जाता है। अब्दुल हादी को पसीना देखे कितना ज्यादा, अभी मेरे को 7 बज गए मैम जो है ना, अभी अभी 7 बजे और रोटी देखे जी गोल मटोल माशाल्लाह से जी अब्दुल हादी की तरह गोल मटोल बन चुकी है।
अभी ना बड़ी एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करते हैं। अंडा है वैसे टूटेगी इतना ही। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी माशाल्लाह, अब्दुल हादी की रोटी देखे कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इस साइड से देखें तो अच्छी रोटी बने। पसंद आई रोटी आपको? अब्दुल्ला जो है ना, अब्दुल्ला अभी तक सोया हुआ है। अब्दुल्ला बेफिक्र है, कोई फिक्र नहीं ना मस्जिद जाने की ना स्कूल जाने की। अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से उठना। अभी गर्म है, अभी इसके ऊपर कैचअप लगा के ना, कैचअप भी हमने स्पेशल अब्दुल हादी के लिए लेके आए हैं। कैचअप लगा के फिर डिब्बे में बंद करके देंगे और यहाँ और घर से नाश्ता करवा के भेजती हूँ। वहाँ पे पता नहीं बच्चों को खिला देते होंगे कि कैसे करते होंगे, करते भी होंगे या खाना नहीं खाते होंगे, मुझे तो चीज़ का नहीं मिला। मैं खुद खाते हो, किसी को देते तो नहीं हो? वहाँ पे खुद खाते हो ना रोटी? हैं, बच्चों को तो नहीं दे देते हो? पक्की बात है? नो 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 नो, सारी खुद खाते हो? अच्छा, जी बेटा चेक करना है आपने। अभी बन गया जी अब्दुल हादी का रोल, इसमें मैंने लगाया कैचअप। चेक करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। पानी मसा दे दो इधर, खाना के स्कूल में खाओगे? स्कूल खाना है? क्या थोड़ा सा और खा लो, जब इसको भूख लगेगी ना तब ये खा लेगा वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिलाल की अब्दुल हादी की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे अब्दुल्ला उठ चुका है। अब्दुल्ला जैसे उठा है ना, इनके पापा ने इन्हें चीज़ ला के दे दिए। और यहाँ पे अब्दुल हादी का बैग जो है ना, ये ब्रेडी है। और अब्दुल हादी सब कहते हैं कि मैचिंग बहुत प्यारी की हुई है यूनिफॉर्म के साथ। इसमें इसका जो है ना वो खाना भी मैंने डाल दिया है, पानी वाली बॉटल भी, और ये मैंने धो भी दिया था बैग इनका। बैठे अब्दुल हादी, बाय बाय। अब्दुल हादी को पसीना चेक करें अभी से कितना आ रहा है, ये देखें। अभी तो गर्मियाँ आनी है, क्या बनेगा। बाय बाय।